नूरपुर के गांव नेरा में बीते कल अचानक बिजली की तार खेत में गिर गई, जिस कारण खेत में तैयार फसल को आग लग गई, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा। गनीमत ये रही कि गांव वासियों ने आग लगते ही देख ली और मिलकर इस आग पर काबू पाया और सारी फसल को जलने से बचा लिया। किसानों का कहना है कि ये फसल पक चुकी थी और काटने के लिए तैयार थी। बिजली की तारों के शॉर्ट होने से तारें नीचे खेत में गिर गईं और फसल में आग लग गई। सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस घटना में जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। जैसे कि ये फसल पक चुकी हुई थी, काटने के लिए तैयार थी और मैं घर पे नहीं थी, तो पीछे से जैसे ये तारें ऊपर जा रही है बिजली की, ये शॉर्ट होने के कारण तार नीचे गिर गई हुई थी और उसके साथ ये फसल को भी आग लग गई हुई थी। और कुछ हमारे प्रधान जी जो हैं उनका फ़ोन वगैरह आया, कुछ उनका योगदान था, कुछ यहाँ पे पास में मिस्त्री लगे हुए थे, उन्होंने मौके पे देख ली, आके उन्होंने पानी पुनी डाल के तो इसको ख़त्म करा। और क्या कहना चाहेंगे जी इस नुकसान को लेके? बस ये कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दे गवर्नमेंट। बंदे ना तो साड़ी फसल स्टार बजट के अंदर टूट कोई है, उसके बड़े गरीब बंदे के ना हरे बिना प्रधान प्रधुना बेचारे ना मिस्त्री लगे, इन्हें बड़ी हेल्प कराई बुझाने बुझाने को। तो क्या चाहिए इस फसल जो बर्बाद हुई है इसको? हाँ सके थोड़े चाहिए था, फिर जड़ा हर नुकसान है मिल गया थे। वहीं स्थानीय प्रधान का कहना है कि इस घटना के दौरान हजारों हेक्टेयर पकी हुई फसल जल सकती थी, लेकिन गांव वासियों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया, जिससे ज्यादा नुकसान होने से बच गया। उन्होंने सरकार से अपील की है कि पीड़ित किसानों को नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। कल ये अचानक बिजली की लाइन टूटने के कारण जो है ये नीचे तार गिर गई, शायद क्या मेरे को लाइनमैन ने बताया कि ऊपर कोई एक बीच में तार फंसी हुई थी, कुछ तार का पीस फंसा हुआ था, उसकी वजह से जो तार टूटी है, जिसके कारण जो काफ़ी फसल का नुकसान हुआ। मौके पर मैं सामने मेरा स्कूल है, मैं खड़ा था, मैंने यहाँ पे जो घर में लोग रहते हैं इनको फ़ोन किया, ये घर में नहीं थे, फिर उन्होंने बाकी गांव वालों ने और मिलजुल कर जो फिर मैं भी मौके पे आया और बड़ी मुश्किल से ये आग बुझाई है। अगर ये कल ये सारे लोग मिलजुल कर यहाँ पे नहीं आते तो ये हज़ारों एकड़ पूरा हार जो आप जैसे ये देख रहे हैं पूरा पकी फसल जो अपने बर्बाद हो जाती। मेरी सरकार से निवेदन है कि ये गरीब लोग हैं, खाद बहुत महंगी है, बीज बहुत महंगे हैं, हलवाई का जो ट्रैक्टरों का जो है कितना महंगा डीजल है, लोगों ने पैसे देकर जो बुझवाई की हुई है, तो इससे जो हो इनका जो काफी नुकसान हुआ है, ये उचित मुआवजा जो इन लोगों को जो मिलना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज himachal.kesri।